कितने किलोमीटर में पूरा एरिया है और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? सर, इसका टाइगर रिजर्व की का एरिया का अगर मैं बात करूँ तो 1203 स्क्वायर किलोमीटर में सर इसका फैला हुआ है, और इसमें 881 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कोर एरिया बोला जाता है। कोर एरिया वो एरियाज हैं जहाँ एनिमल डेंसिटी ज़्यादा है, और ये कोर और बफर ये जो टर्म हैं ये ईजाद किए गए थे उस वक़्त जब टाइगर को बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और इसके पीछे जो टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का जो पर्पज़ था वो टाइगर्स का जो स्पीशी है रॉयल बंगाल टाइगर उसको प्रिजर्व करना था इंडिया में, क्योंकि उनका देवर लिटरली एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, लगभग ख़त्म होने के कगार पे वो आ गए थे, क्योंकि 1972 में इनका नेशन वाइड एक वाइल्ड लाइफ सेंसस, या मुझे कहना चाहिए टाइगर सेंसस करवाया गया था। उस वक़्त जो डेटा आया पूरे इंडिया से दैट वाज वेरी अलार्मिंग डेटा, 1836 टाइगर उस वक़्त रह गए थे, तो फ्रॉम 1 लाख, जो कि लगभग 19वीं शताब्दी में पूरे इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान जो बाद में आज़ादी के बाद बना, वो म्यांमार बर्मा जिसको बोलते थे पहले, और ये सारे इलाके में टाइगर्स का पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन था 19वीं शताब्दी में लगभग 1 लाख, जो 20वीं शताब्दी तक लगभग 40,000 रह गया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत मास किलिंग हुई, राजाओं को हमेशा कहा जाता है कि राजा उन्हें टाइगर मार दिए, बट सही बात यह है कि आज़ादी के बाद कॉमन मैन भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था। राजाशाही जब थी तब राजाओं के ज़माने में सिर्फ राजाओं या उनके मेहमानों को अधिकार होता था कि वो टाइगर हंट करें, और ये जो जंगल हैं उनके प्राइवेट वो थे शिकारगाह। और उसके बाद बहुत मास किलिंग हुई, तो टाइगर को बचाने की ज़रूरत यूँ है कि टाइगर एपेक्स पे है, टाइगर सुपर प्रीडेटर है इंडियन लैंड का। अगर हम सुपर प्रीडेटर को हटा देते हैं इकोसिस्टम से तो पूरा इकोलॉजी ध्वस्त हो जाएगा, उसके बहुत इम्बैलेंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसका ओवरऑल एट द एंड ह्यूमन सोसाइटी पे ही असर आएगा। उस आदमी का खुद का अस्तित्व जो है टाइगर के अस्तित्व से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिसको हम इस हसल बसल वाली लाइफ में हम महसूस नहीं करते, लेकिन अगर डिटेल में जाएं तो टाइगर का बचे रहना हमारे जंगल की हेल्थ को इंश्योर करता है, और हमारे जंगल हेल्दी होंगे तो रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा तो हमारी एग्रीकल्चर सस्टेन करेगी, एग्रीकल्चर सस्टेन करेगी तो हम सस्टेन करेंगे। तो बात जब आती है इसके एरिया की, तो 1203 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया में से 881 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया है और 332 स्क्वायर किलोमीटर बफर एरिया है। बफर एरिया वो है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, जैसे कि वो वहाँ पर बस सकते हैं, रह सकते हैं, वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन कोर एरिया में खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। तो 1203 स्क्वायर किलोमीटर का अगर मैं अंदाज़ा करूँ तो मोटा मोटा 40x30 किलोमीटर का एक बड़ा पैच, इस रेक्टेंगल पैच, और उस पैच में का मतलब ये नहीं है कि वो एक स्ट्रेट पैच है एकदम आयताकार सा बना हुआ, बल्कि वो हर डायरेक्शन में फैला हुआ है। और इसकी बाउंड्रीज़ की मैं बात करूँ तो अलवर सिटी के पास बाला किला इसका बफर एरिया है, और जयपुर का जो जमुआ रामगढ़ फॉरेस्ट एरिया है वो भी सरिस्का का बफर एरिया है। जिम कॉर्बेट इसे हम कहते हैं, इससे और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, जिम कॉर्बेट और सरिस्का को अगर आप कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ कि जिम कॉर्बेट की अगर बात करें, जिम कॉर्बेट एक अलग तरह के टेरेन में है, वो हिमालयन फुटहिल यानी कि तराई के फॉरेस्ट में वो है, जंगल है, और ये है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस थॉर्नी फॉरेस्ट। अगर आप कॉर्बेट जाएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़े ग्रासलैंड मिलेंगे, वहाँ ट्रीज़ का हाइट ज़्यादा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ होंगे,